मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। शिव सैनिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। 600 शिव सैनिकों पर केस दर्ज हुआ है। नवनीत राणा के घर पर तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा के घर पर शिव सैनिकों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब 600 शिव सैनिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव सैनिकों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की नवनीत राणा के घर पर, दफ्तर पर, जिसके बाद 600 शिव सैनिकों पर केस दर्ज किया गया है। नवनीत राणा के घर पर तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर हुई है और ये एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिवली आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। हालांकि 600 लोगों के खिलाफ मामला भले दर्ज किया गया, लेकिन किसी को नामजद नहीं किया, किसी का नाम नहीं है। सिर्फ 600 शिव सैनिकों पर केस दर्ज किया गया है। नवनीत राणा के घर पर तोड़फोड़ हुई, इसे लेकर एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी कॉपी हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर वो खार पुलिस स्टेशन में रहे और आज कोर्ट के सामने उनकी पेशी होनी है। हालांकि इस मामले में बड़ा अपडेट यह है, बड़ी खबर यह है कि 600 शिव सैनिकों पर भी केस दर्ज किया गया है और इन पर आरोप है कि नवनीत राणा के घर और दफ्तर पर इन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। और ये देखिए टाइमलाइन आपको बता रहे हैं किस तरह से कब क्या हुआ। शनिवार दोपहर 2 बजे हंगामा शुरू हो गया। राणा के घर के बाहर शिव सैनिक जुटे और शोर शराबा शुरू कर दिया। उसके बाद रात करीब 10 बजे भी राणा के दफ्तर पहुंचे, वहां पर भी हंगामा हुआ, वहां पर भी शोर शराबा हुआ। रात करीब शनिवार रात 8 बजे राणा दंपत्ति को खार पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया और रात को 11 बजे जब किरीट सुमैया उनसे मिलने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई और किरीट सुमैया ने बात कही कि शिव सैनिकों ने उन पर हमला किया। राधिका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। राधिका, क्या कुछ अपडेट है, किस वक्त कोर्ट में पेश होना है? 11 बजे करीब 11 बजे राणा कपूर को कोर्ट में पेश होना है और रिमांड मांगा जाएगा। मुंबई पुलिस उनकी मैक्सिमम रिमांड के लिए ट्राई करेंगे। एट द सेम टाइम रिजवान मर्चेंट जो है उनके लॉयर, उन्होंने कहा कि ये जो अरेस्ट है वो कम्प्लीटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये एक पार्लियामेंटेरियन है जिनका अरेस्ट हुआ है, उसके लिए सैंक्शनिंग है, उसके लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है, जो मुंबई पुलिस ने नहीं किया और प्रेशर में उनको अरेस्ट किया है। तो ये कुछ बातें कोर्ट के सामने रखी जाएगी। इनके रिजवान मर्चेंट जो इनके लॉयर है, ये बातें रखेंगे कोर्ट के सामने। और इस वक्त एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है शिव सैनिक के अगेंस्ट भी, एक काउंटर एफआईआर रजिस्टर हुआ है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो है कि ये शिकायत में कंप्लेनेंट जो है राणा कपिल ने ये कंप्लेन किया था, लेकिन उनको कंप्लेनेंट नहीं बनाया और ये अननोन लोगों के अगेंस्ट केस है। 600 से लेके 700 शिव सैनिक के अगेंस्ट ये केस रजिस्टर किया है अनलॉफुल असेंबली और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में, लेकिन इसमें कंप्लेनेंट राणेज नहीं है, इसमें कंप्लेनेंट पुलिस है और अभी तक इस केस में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।